जहीर खान बने लखनऊ सुपर जॉइंट्स के मेंटर, एलएसजी के मालिक संजीव गोयनकार ने दी इस बात की जानकारी। अभी गौतम गंभीर टीम के मेंटर। पेरिस पैरालंपिक की शुरुआत आज से होगी, 8 सितंबर तक चलेगा इवेंट। सुमित अंतिलका, भाग्यश्री जाधव ओपनिंग सेरेमनी में होंगे भारतीय ध्वजवाह। भारत के 84 एथलीट पेरिस ओलंपिक के 12 खेलों में लेंगे भाग। 95 अधिकारियों के साथ भारत के दल से कुल 179 सदस्य शामिल। ऑफ स्पिनर रविंद्र चंद्रन अश्विन ने आईपीएल के इंपैक्ट प्लेयर के नियम का किया बचाव, बोले इससे यंग प्लेयर्स को मिलती है मदद, ये नियम खेल को दिलचस्प बनाता है। शाकिब अल हसन पर लगे आरोपों पर बोले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष फारूक अहमद, जब तक दोषी साबित नहीं हो जाते तब तक बांग्लादेश के लिए खेलते रहेंगे, भारतीय दौरे पर टीम की शाकिब का होना जरूरी है। वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीता तीसरा टी20 मुकाबला, टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। मेजबान टीम ने आखिरी मुकाबला 8 विकेट से जीता। बारिश के कारण 13 ओवर में मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने बनाए 108 रन, जवाब में वेस्ट इंडीज ने 10वें ओवर में ही टारगेट को चेस कर मुकाबला जीता। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सी ने बिग बैश 2024 मेंस एंड वुमेन्स लीग के लिए ड्राफ्ट जारी किया है। 432 मेंस और 131 वुमेन्स सहित कुल 593 खिलाड़ियों ने ऑक्शन के लिए अपना नाम दिया है। इंग्लैंड बल्लेबाज डेविड मलान ने इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रिटायरमेंट का ऐलान किया है। काफी वक्त में टीम से बाहर चल रहे थे मलान, सितंबर 2023 में खेला गया था आखिरी मैच। जोस बटलर के अलावा तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगाने वाले एकमात्र इंग्लिश खिलाड़ी हैं डेविड मलान। टी20 रैंकिंग में नंबर 1 रह चुके हैं। आईपीएल में भी 2021 में पंजाब किंग्स की तरफ से खेले थे एकमात्र मुकाबला। आईसीसी ने ताजा टेस्ट रैंकिंग को जारी किया, पाकिस्तान कप्तान बाबर आजम को 6 स्थानों का हुआ नुकसान, तीसरे से सीधा 9वें नंबर पर पहुंचे बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में 0 पर हो गए थे। टीम इंडिया के ओपनर यशस्वी जायसवाल को 1 स्थान का फायदा, विराट कोहली को भी 2 स्थान के फायदे के साथ नंबर 8 पर पहुंचे। पूर्व भारतीय खिलाड़ी संजय मांजेरकर ने बीसीसीआई पर सवाल उठाए हैं, बोले रोहित, विराट और बुमराह को भी देना चाहिए था घरेलू क्रिकेट में मौका। स्पेन की क्रिकेट टीम ने इतिहास रचा, टीम टी20 अंतर्राष्ट्रीय में लगातार सबसे ज्यादा मुकाबले जीतने का रिकॉर्ड बनाया। स्पेन के नाम अब लगातार 14 टी20 मैच जीतने का रिकॉर्ड है। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान ने कई बदलाव किए हैं, टीम में अबरार अहमद और कामरान गुलाम की वापसी होगी। शाहीन शाह अफरीदी और आमर जमाल भी जुड़ेंगे टीम के साथ। चीन में होने वाली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय हॉकी टीम का ऐलान, हरमनप्रीत सिंह ने टूर्नामेंट में टीम की कप्तानी करेंगे। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले 10 खिलाड़ियों को जगह दी गई है। पेरिस ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट मनु भाकर ने क्रिकेट को लेकर बड़ी बात कही है, कहा विराट, धोनी और सचिन तेंदुलकर से मिलना चाहती हूं, इन खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम का हिस्सा रही अर्चना कामत ने छोड़ा अपना खेल, अब अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करेंगी अर्चना। इंग्लैंड श्रीलंका के बीच 3 मैचों के सीरीज का दूसरा मुकाबला 29 अगस्त को लॉर्ड्स स्टेडियम पर खेला जाएगा। इंग्लैंड की टीम ने पहले टेस्ट मैच में 5 विकेट से जीत दर्ज की थी। श्रीलंका के खिलाफ शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच के लिए चोटिल तेज गेंदबाज मार्क वुड की जगह ओली स्टोन को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया।